Dear students, in this third lecture of superconductivity, we are going to study type 1 and type 2 superconductors and the specific heat in the superconductors. Type 1 and type 2nd, type 1st and type 2nd superconductors. Superconductors have been classified as type 1st and type 2nd depending upon their behavior in an external magnetic field. That is how strictly they follow the Meissner effect. We describe next these two types of the superconductors. Type 1 are soft superconductors. The superconductors which strictly follow the Meissner effect are called type 1 superconductors. The typical magnetic behavior of lead, a type 1 superconductor, is shown in Fig 1. Fig 1, magnetization curve of pure lead at 4.2 Kelvin. देखे आप लोगों को पता है कि जब superconductor के अंदर जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो माइनस एम यानी कि डाया मैग्नेटिक बिहेवियर देता है. विद द इंक्रीज ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वी हैव सीन दैट द वैल्यू ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज गोइंग टू इंक्रीज सुपरकंडक्टिव स्टेट के अंदर. लेकिन सडनली क्या होता है कि एच सी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर यानी कि विद द इंक्रीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है और मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर जाता है. तो ऐसे मटेरियल जो कि स्ट्रिक्टली ओबे करते हों मेजनर इफेक्ट को कि वहाँ पर सडनली जो है वो डायमैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए और मैग्नेटिज्म जो है वो पेनिट्रेट कर जाए मटेरियल के अंदर और नॉर्मल मटेरियल बन जाए ऑन द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, दोज टाइप ऑफ द मटेरियल्स आर नोन एज द टाइप फर्स्ट और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स. These superconductors exhibit perfect diamagnetism below a critical field HC, which for most of the cases is of the order of 0.1 Tesla. As the applied magnetic field is increased beyond HC, the critical magnetic field, the field penetrates the material completely and the latter abruptly reverts to its normal resistive state. These materials give away their superconductivity at lower field strengths and are referred to as the soft superconductors. Pure specimens of various metals exhibits this type of behavior. These materials have very limited technical applications owing to the very low value of HC. तो ऐसे materials जो कि बहुत थोड़े magnetic field apply करने पर क्या है superconductor जो है वो normal conductor में change हो जाते हैं और Meissner effect को abruptly follow करते हैं और इनको soft superconductors कहते हैं. और इन मटेरियल के ऊपर थोड़ी सी भी मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू अप्लाई करने पे क्या है वो नॉर्मल कंडक्टर्स बन जाते हैं. टाइप सेकंड आर हार्ड सुपर कंडक्टर्स. फिगर टू, मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ अ लेड बिस्मिथ अलॉय एट 4.2 केल्विन. हमने यहाँ देखा मैग्नेटाइजेशन मींस के डायमैग्नेटिक बिहेवियर इज गोइंग टू इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एज और एक वैल्यू एच सी वन आती है जिसके बाद क्या है कर्व नीचे को आना शुरू हो जाता है और जो डायमैग्नेटिक इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और एच सी टू एक वैल्यू के ऊपर जाकर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू टू एच सी टू के ऊपर जाकर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर जाता है और डायमैग्नेटिक इफेक्ट ज़ीरो हो जाते हैं और जो नॉर्मल कंडक्टर मटेरियल बन जाता है सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर. तो ये जो इसमें हम देखेंगे एक रीजन जो फर्स्ट रीजन हमने डॉटर लैंड से शो किया है दैट इज़ सुपर कनेक्टिव स्टेट और डॉटर लैंड से राइट को अगर जाते हैं तो सेकंड फेज आता है दैट इज़ वर्टेक्स आर मिक्स्ड आर इंटरमीडिएट स्टेट है और थर्ड फेज जो कि नॉर्मल स्टेट है. तो नॉर्मल स्टेट और सुपर कनेक्टिव स्टेट के दरमियान एक फेज है दैट इज़ वर्टेक्स आर मिक्स्ड आर इंटरमीडिएट स्टेट है हमारे पास. ठीक है, तो इसमें जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वो दो वैल्यू शॉर्पली एग्जिस्ट नहीं करती. अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं एस सी वन को डॉटर लैंड में तो वहाँ पर एक हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. अदरवाइज एस सी वन और एस सी टू दो वैल्यूज़ हैं और एस सी वन से जो प्योर नीचे जो है वो उसे क्या सुपर कंडक्टर प्योरली सुपर कंडक्टर होगा और एस सी टू से ऊपर का है वो नॉर्मल कंडक्टर होगा. बिटवीन द एस सी और एस सी टू जो है वो ना तो ये नॉर्मल कंडक्टर है लेकिन हम इसको सुपर कंडक्टर भी नहीं कह सकते. ये ऑलमोस्ट हमें कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडक्टर की तरह है जो कि वर्टेक्स स्टेट है या इंटरमीडिएट स्टेट है. दीज सुपर कंडक्टर्स डू नॉट फॉलो द मेजर इफेक्ट स्ट्रिक्टली दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट पेनिट्रेट दीज मटीरियल्स अब्रप्टली एट द क्रिटिकल फील्ड. द टिपिकल मैग्नेटाइजेशन कर्व आर
PbBi alloy shown in Fig 2 previous slide illustrates the magnetic behavior of such a superconductor. It follows from this curve that for fields less than SE1, the material exhibits perfect diamagnetism and no flux penetrates takes place. Thus, for H smaller than HC, the material exists in the superconductive state. As the field exceeds SE1, the flux begins to penetrate the specimen, and for H is equal to SE2, the complete penetration occurs and the material becomes a normal conductor. The fields SE1 and SE2 are called the lower and upper critical fields respectively. In the region between the fields SE1 and SE2, the diamagnetic behavior of the material varies gradually and the flux density inside the specimen remains non-zero. That is, the Messner effect is not strictly followed. The specimen in this region is said to be existing in the vertex or the intermediate state, which has a complicated distribution of superconducting and non-superconducting regions and may be regarded as a mixture of superconducting and normal states. The type second superconductors are also called the hard superconductors because relatively large fields are needed to bring them back to the normal state. Also, the large magnetic hysteresis can be induced in these materials by appropriate mechanical treatment. Hence, these materials can be used to manufacture superconducting wires, which can be used to produce high magnetic fields of the order of 10 Tesla. Apart from some metals and alloys, the newly developed copper oxide superconductors belong to this category and have SE2 of about 150 Tesla. तो ये हार्ड सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, और इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है उनको नॉर्मल कंडक्टर बनाने के लिए, और इनकी एप्लीकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैलियम नियर TC, द नॉर्मल स्टेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्राम द सुपर कंडक्टर स्टेट बाई अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 200 गाज, विच इज़ ग्रेटर दैन SC फॉर गैलियम। ये डायग्राम हमारे पास जो है, इसमें देखिए कि C/T मिली जोल पर मोल पर केल्विन स्केयर अलॉन्ग द वाई एक्सिस है, जबकि टेम्परेचर स्केयर जो है वो हमने एक्स एक्सिस लिया। टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट जो है वो 0 केल्विन से ऊपर जाते हुए बढ़ती जाती है, ठीक है। और जबकि TC के बाद क्या है, उसमें सडनली चेंज आता है, और उसके बाद क्या है, फिर कम होकर फिर नॉर्मल कंडक्टर के साथ मिल जाती है। जबकि डॉटेड लाइन हमारे पास क्या है, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ द नॉर्मल मटेरियल शो कर रही है। अगर उसी मटेरियल को हम नॉर्मल हालत में रख सकें बाय द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, तो ये सुपर कनेक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट के अंदर स्पेसिफिक हीट में जो वेरिएशन है, जो हमने इस ग्राफ में शो की है। द वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर फॉर गैलियम इन द सुपर कनेक्टिंग एंड नॉर्मल स्टेट्स आर शोन इन Fig. 3। द लेटर स्टेट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द फॉर्मर बाय अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड H ग्रेटर दैन HC। सच अ स्मॉल फील्ड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द नॉर्मल मेटल। For the normal metal, the specific heat obeys the following relationships: Cn is equal to gamma T plus beta T cube. Thus, the plot of Cn by T versus T square on the previous slide is a straight line. On the next slide is a straight line as shown in the Fig. 3. The first term on the right side of equation 1 represents the electronic contribution to the specific heat, while the second one represents the contribution of lattice vibrations at low temperatures. Since the latter contribution remains unaffected in the superconductive state, it is obvious that only the electronic specific heat changes in the superconductive state. Also, unlike in the normal states, the electron specific heat CES in the superconductive state does not show linear variation with temperature. Rather, it varies exponentially. तो ये यहाँ पर हमने क्या है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफिक हीट का जो है वो प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस डेल बाय KBT इक्वेशन 2 बनाई है, और ये फिग जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट CES ऑफ सुपर कनेक्टिंग गैलियम एट टेम्परेचर विल बिलो TC। तो TC से नीचे नीचे जो हमने उसका रिलेशन दिखाया है TC/T के और इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट के दरमियान ग्राफ बनाकर।